हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइल्स की पूरी जानकारी लेंगे, किस कौन प्रकार से कौन सी टाइल्स होती है, उनका क्या एडवांटेज होता है, ये सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मार्केट में जो भी टाइल्स अभी अवेलेबल है वो सारी सिरेमिक टाइल्स होती है। जो भी टाइल्स आप लीजिए वो सारी सिरेमिक टाइल्स होती है। उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिरेमिक और दूसरा होता है विट्रीफाइड टाइल्स। सो टाइप दो है, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस होता है पोरेसिटी। एक होती है पोरस, जैसे कि सिरेमिक पोरस, और विट्रीफाइड नॉन पोरस, या आप इसे लेस पोरस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोरस और नॉन पोरस, मतलब उसके अंदर छिद्र कम होते हैं नॉन पोरस में, और पोरस मतलब उसके अंदर छिद्र होते हैं जिससे कि वाटर डस्ट यू नो जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो ग्लेजिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम पहले सिरेमिक टाइल्स के बारे में देखते हैं। सिरेमिक टाइल्स जनरली हम वॉल पे एज वेल एज फ्लोर पे, दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वॉल पे लगने वाली वो होती है टाइल्स, उसकी थिकनेस कम हो और वो हल्की भी हो तो चलता है, वैसे ही ले, क्योंकि उसका लोड लेने से कोई यू नो ये नहीं होता, वो सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी के लिए होती है। लेकिन जो फ्लोर टाइल्स है वो थिकर और स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, जिससे कि आपका डेड लोड, लाइव लोड, जो भी लोड हो वो उन्हें बेयर करना है। तो जैसे कि सिरेमिक में मैंने कहा कि उस पर पोरस होती है, मतलब उसके अंदर छिद्र होती है, इसके लिए क्या होता है उसके ऊपर ग्लेजिंग होता है, एक ग्लेज नो कवर टाइप, जिससे कि वाटर हो, डस्ट हो, वो आप अच्छे से क्लीन कर सके और वो अंदर ना जा सके, इसके लिए सारे सिरेमिक टाइल्स के ऊपर ग्लेजिंग होता है। अभी सिरेमिक टाइल्स में कौन कौन सी टाइल्स आती है, एक है ग्लॉसी टाइल्स, यू नो आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि ग्लॉसी। तो एडवांटेज क्या है ग्लॉसी के, तो उसका सरफेस जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, और उस पर जब भी लाइट गिरती है तो वो बाउंस करती है सरफेस से। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो भी स्मॉल रूम है आपका वो बिगर लगता है बिकॉज ऑफ फेनोमेना ऑफ लाइट। आप यहाँ ग्लॉसी टाइल्स को कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो बाथरूम वॉल है, किचन है, स्मॉल और स्क्वायर रूम से, या फिर डार्क रूम है जहाँ पे नेचुरल लाइट कम जाती है वहाँ पे आप लगा सकते हो, जिससे कि लाइट यू नो बाउंस होके आपकी रूम रिफ्लेक्ट हो और बड़ी भी लगे। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं ग्लॉसी टाइल्स के, यू नो रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा आता है मैट फिनिश टाइल्स, तो इसका क्या है एडवांटेज वो हम देखते हैं। वो थोड़ी स्मूथ कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज उसका होता है कि उसकी जो ग्रिप है वो बेटर होती है देन ग्लॉसी टाइल्स। यदि आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग हो तो मैट अच्छा है, क्योंकि आपका पैर फिसलेगा नहीं, अच्छी ग्रिप मिलती है। तो इसे आप फ्लोर पे लगा सकते हो जहाँ पे बेडरूम से, या फिर हाईली ट्रैफिक एरिया जहाँ पे नो ज़्यादा ट्रैफिक, लोग या आ जा रहे हैं, ऐसा जो सरफेस है वहाँ पे मैट फिनिश बेटर है। मैट फिनिश में जो भी मतलब स्टाइल आता है वो नेचुरल रस्टिक लुक होता है, को अगर पसंद हो तो मैट फिनिश में ये लुक ज़्यादा मिलेगा। सो मैट फिनिश की कुछ तस्वीरें। तीसरा जो आता है एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स, एंटी स्किड नाम से पता चलता है कि स्किड मतलब स्लिप रेजिस्टेंस है। तो इसका बेसिकली यूज़ होता है बाथरूम और टॉयलेट में फ्लोर पे, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे आपके पैर फिसलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस होता है, ग्रिप होती है। यू कैन सी द पिक्चर्स, यहाँ पे आप दिखने वाले भी मतलब यहाँ पे दिख रहा है ऊपर थोड़ा, लेकिन कुछ टाइल्स ऐसे भी होते हैं दिखता नहीं लेकिन रेजिस्टेंस होता है, फाइन एकदम आर्ट होता है उसका। सिरेमिक टाइल्स में बहुत सारी शेड्स आती है, जैसे कि एथनिक हो, रस्टिक हो, या फिर वुड का भी है। अब हम थोड़ा विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में देखते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल्स में क्या होता है, ग्लेज्ड विट्रीफाइड और नॉन ग्लेज। जैसे कि विट्रीफाइड टाइल्स नॉन पोरस होती है, तो ग्लेजिंग ऑप्शनल है, तो इसमें इसकी वजह से ग्लेज्ड विट्रीफाइड और नॉन ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, ऐसे दो डिफरेंसेस होते हैं। जो ग्लेज्ड होते हैं उसमें पॉलिश और अनपॉलिश, और अनग्लेज्ड में
डबल चार्ज और सोल्यूबल साल्ट, ये डिफरेंस, ये टाइप्स होते हैं। जब भी आप मार्केट में जाएंगे पूछेंगे तो आपको बताएंगे ये पीजीवीटी है, ये एमजीवीटी है। मतलब क्या, जो भी विट्रीफाइड टाइल्स है उसके ऊपर ग्लेजिंग है और पॉलिश भी है, और अनपॉलिश्ड में को मैट भी कहते हैं, मैट ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। और जो अनग्लेज्ड होते हैं जिसके ऊपर ग्लेजिंग नहीं होता, ऑप्शनल है, उसमें डबल चार्ज और सोल्यूबल साल्ट, ये टाइल्स अवेलेबल है। पीजीवीटी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सो डबल चार्ज अगर आप देखें तो वो थोड़ा उस, अगर साइड से देखिए, थिकनेस देखिए उसकी, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक्स्ट्रा वो, मतलब स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई गई होती है। सोल्यूबल साल्ट थोड़ा चीप होता है, लेकिन उसमें भी डिज़ाइन अच्छे आते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए। यूजुअली डबल चार्ज इंडस्ट्री में या विट्रीफाइड टाइल्स इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है, आप रेसिडेंशियल में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो लास्टली हम देखेंगे जनरल साइजेस, जो वॉल पे हम लगाते हैं टाइल, उसकी होती है 80x40 सेंटीमीटर में, ये सारा सेंटीमीटर है, 60x40, 30x45, और जो भी फ्लोर पे टाइल्स होती है वो 120x80, 120x60, 80x80, 60x60 और 120x20। तो आपको अगर बड़ा टाइल्स लेते हैं आप तो उससे जॉइंट्स कम होते हैं, तो मेंटेनेंस कम होगा और रूम भी बड़ा दिखेगा। सो ये कुछ एडवांटेज और हमने अभी टाइल्स का आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।